ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को ढेर कर दिया है। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग में जहां अदनान उर्फ मूसा नाम का शातिर मारा गया तो वहीं उसका भाई गोली लगने से गंभीर घायल हो गया। इतना ही नहीं, पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ में बदमाशों की गोली लगने से एक ग्रामीण भी घायल हो गया है। दोनों घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि पुलिस रेड करने पहुंची थी, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। मृतक बदमाश अदनान उर्फ मूसा, जो कि लूट, डकैती समेत कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था, जबकि घायल हुआ दूसरा बदमाश अदनान का ही भाई बताया जा रहा है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचों समेत भारी मात्रा में कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। फिलहाल मुठभेड़ में घायल बदमाश और ग्रामीण का इलाज जिला अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। हमारे यहाँ जो बेहट और कोतवाली देहात में एक बदमाश काफ़ी लूट में वांटेड थे, वो 25,000 की इनाम भी था उस पर, तो इस पर पुलिस पार्टी एक शेखपुरा जो और कोतवाली देहात की पुलिस पार्टी रेड करने गए थे, उसमें अचानक फायरिंग करना शुरू कर दिया, आमने सामने गोली चलना शुरू किया और चेसिंग भी हुआ था, फिर गाड़ी छोड़ के खेत में भागे, फिर पुलिस पार्टी उनको पीछा किया है। और इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश को घायल हुआ जिसका पैर वैर में गोली लगी है, और दूसरा फिर भागते हुए अंदर तक गया और फायरिंग करता रहा, जिसमें एक पब्लिक के आदमी को भी गोली लगी है जिसका अभी इलाज हो रहा है, वो भी सेफ है। आमने सामने उस फायरिंग पे फिर वो भी उसको भी गोली लगी, वो गिर गया था, तो तुरंत उसको भी हॉस्पिटल भेजा गया, वहाँ ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया एक अदनान उर्फ मूसा को। बाकी दो लोग सेफ है, एक पब्लिक के आदमी सेफ है और दूसरा एक उसका जो बदमाश के साथ था वो भी सेफ है, मगर उसको कहा जा रहा है वो बदमाश का भाई है। अब उसका कितना रोल है, किस में क्या लूट में, वो जाने। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत।